हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर फोर्थ स्टैंडर्ड का न्यू टॉपिक, दैट इज़ पिक्टोग्राफ्स। ओके, साथ ही मैं यहाँ पर थर्ड स्टैंडर्ड को जो डिक्टेशन वर्ड्स दिए हैं उनका टेस्ट भी मैं ले रही हूँ। तो चलिए, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है मेरा क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट सपेरा। तो पिक्टोग्राफ्स अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और ध्यान से देखना है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछना है। ओके, सो यू कमेंट्स फ्रॉम दिस साइड। साइकिल, सी पिक्टोग्राफ, यू ऑल्सो हैव नो दिस। वेज पेन, पेंसिल, यू डोंट हैव एनी, सो वी हैव टू टेक ऑल थिंग्स एट अ टाइम, बिकॉज बार बार हम लोग फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, कॉन्सेंट्रेट करना है ना टॉपिक पे। चलो नेक्स्ट राइट, शलजम। व्हाट इज अ पिक्टोग्राफ, जिसमें हमें ना पिक्चर्स से एक्सप्लेनेशन करना होता है, दिखाना होता है, उसको बोलते हैं। देखो पिक्टो मतलब ही समझ में आ गया ना, पिक्चर का रहता है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है नसरीन, विशाल, विराज, हेमा एंड अदर स्टूडेंट वेंट टू द विलेज फेयर। तो सब कहाँ पर गए हैं, विलेज फेयर में गए हैं। द फेयर हैड अ वैरायटी ऑफ गेम्स, द स्टूडेंट हैड अ लॉट ऑफ फन, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स एट द फेयर। तो फेयर में बहुत अलग अलग टाइप के शॉप्स थे, सम सेलिंग टॉयज, सम फूड एंड सम क्लोथ्स। तो कौन कौन से शॉप्स दिए हैं यहाँ पे, टॉयज का शॉप है, फूड का है और क्लोथ्स का है। नेचुरली देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल्स, चिल्ड्रन नियर द टॉय शॉप्स एंड द फूड शॉप्स। तो ज़्यादा कहाँ पर भीड़ थी, टॉय शॉप के यहाँ पर और फूड शॉप पर, बिकॉज क्लोथ्स के लिए ज़्यादा कोई नहीं था। यहाँ पर अभी दिया हुआ है परमजीत डिड नॉट गो टू द फेयर, अभी परमजीत जो है वो फेयर में गया नहीं है। सो ही आस्क विशाल विच शॉप्स वर देयर, तो विशाल को पूछा उसने कि वहाँ पर कौन कौन से शॉप थे, हाउ मैनी और कितने थे। विशाल शोड हिम अ टेबल, और फिर विशाल ने क्या किया, उसको एक टेबल बनाकर दिखाया है कि कौन सा शॉप है, कितना है। ओके, फिक्शन, अब यू राइट नेक्स्ट वर्ड, भगवान। टाइप ऑफ शॉप्स एंड नंबर ऑफ शॉप्स, अभी टाइप ऑफ शॉप कौन कौन सा था हमने यहाँ पर, कौन कौन सा देखा, देखो टॉयज, फूड, क्लोथ्स एंड अदर भी था ना। तो यहाँ पे फूड आइटम्स, टॉयज, क्लोथ्स एंड अदर। तो फूड आइटम्स के कितने शॉप्स हैं, फाइव। टॉय शॉप्स कितने थे, थ्री। क्लोथ्स के शॉप्स कितने थे, टू। और अदर, फाइव। तो ये टेबल देखकर परमजीत को पता चल गया कि अच्छा, टॉय के थ्री शॉप थे, क्लोथ्स के टू थे, तो उसको इजीली ये समझ में आ गया है। ओके ओके, प्रेक्षण, और नेक्स्ट राइट, शरीर। अभी यहाँ पर देखो, नसरीन मेड अ टेबल मोर अट्रैक्टिव यूजिंग पिक्चर, अभी इसने तो नंबर्स लिखकर दिखाया ना विशाल ने, लेकिन नसरीन ने क्या किया, वो भी गई थी ना नसरीन भी, तो उसने क्या किया, एकदम अच्छे से पिक्चर्स ड्रॉ करके उसको दिखाया। तो उसने जो फूड आइटम्स के शॉप्स कितने थे, फाइव थे ना, तो उसने फाइव शॉप्स ड्रॉ करके दिखाए उसको और उसको विजिबल करके दिखाया। फिर उसके बाद टॉयज़ के कितने शॉप्स थे, थ्री शॉप्स के यहाँ पे पिक्चर्स निकाल दिए। क्लोथ्स के कितने शॉप्स हैं, टू, तो फिर टू यहाँ पर पिक्चर्स निकाला है। और अदर कितना था, फाइव, तो वो भी फाइव यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ किए। लेकिन देखो कभी भी पिक्चर यहाँ पर उसने दिया हुआ है इक्वली ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। तो अब इससे हमको क्या पता चला कि वन शॉप का पिक्चर ये रिप्रेजेंट करता है वन शॉप को, इसके लिए वन टू थ्री फोर फाइव शॉप्स, तो फाइव हैं। तो दिस इज कॉल्ड वॉट, द पिक्चर ग्राफ, ठीक है। सो वॉट, अच्छा अभी इसके बाद हम डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पीछे। ओके, नेक्स्ट वर्ड, यज्ञ। अभी यहाँ पर देखो और क्या दिया हुआ है, सी इसमें ऐसे बताया है कि इन द पार्क फ्रंट ऑफ हाउस, माई हाउस,
There are 40 rose bushes, 20 hibiscus shrubs and 30 periwinkle shrubs. I will make a table to show this using picture. तभी विराज जो है वो उसको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाने वाला है. नेक्स्ट गर्दन. ओके, तो अभी यहाँ पर दिया है स्केल, दिया है क्या बताया पता है उसने? अभी वो 40 रोजेस तो नहीं ड्रॉ करेगा ना, इतना टाइम लगेगा. तो उसने क्या किया, दिमाग चलाया, उसने आइडिया की स्केल बना दिया कि वन पिक्चर जो है वो उसका मतलब बन जाएगा कि 10 श्रब्स. जैसे हम लोग टेंस वंस करते हैं तो मैं क्या दिखाती हूँ तुम लोगों को, 10, 20, 30, 40. तो मतलब वन फिंगर मतलब हमारा कितना होता है दैट टाइम, 10. इसके लिए फिर हम 10 से काउंट करते हैं ना, 10, 20, 30, 40. बट नॉर्मली हम 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, लेकिन जब टेंस का लेते हैं तो हम 10, 20 करते हैं. तो ऐसे ही उसने क्या किया है, वन पिक्चर मतलब 10 श्रब्स ले लिए. तो नंबर ऑफ बुशेज कितने दिए हैं देखो यहाँ पर, अभी रोज के कितने हैं, 40. तो दैट मीन्स 10, 20, 30, 40. फिर हिबिस्कस कितना है, 20. तो 10, 20. टू फ्लावर्स ड्रॉ किया तो हो गया. और ये कितना है पेरीविंकल का, पेरीविंकल 30. सो 10, 20, 30. तो हमको यहाँ पे नंबर नेम्स ऑफ द फ्लावर्स लिखने हैं और नंबर ऑफ बुशेज लिखना है, देन वी हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. तो वो तुम लोग अपने तुमको जो फ्लावर निकालना है अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो और स्केल इज कंपल्सरी फिर लिखना है. ठीक है, मतलब पता ही नहीं चलेगा ना वन मतलब तुमने कितना लिया हुआ है. तो ऐसे होता है ये पिक्चरग्राफ. और यहाँ पर ये क्या दिया है, बुशेज इन द पार्क. हाउ मेनी वर्ड्स आर कंप्लीटेड, 18. ओके नेक्स्ट राइट, अमरूद. ओके चलिए अभी हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, आई हैव गिवन यू ओकली. हाँ राइट, चेयर्स वर बॉट फॉर फंक्शन इन स्कूल. अभी स्कूल में एक फंक्शन है जिसमें चेयर्स लाए हैं. तो नसरीन प्रेजेंटेड दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल चार्ट. तो उसने, नसरीन ने क्या किया, एक पिक्टोरियल चार्ट बनाकर दिखाया है. अभी हमको देखना है कि वो कौन कौन से कितने चेयर हैं. तो इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग द पिक्चर्स वर्टिकली शी अरेंज देम. अभी यहाँ पे वर्टिकली था ना, तो उसने अभी वर्टिकली नहीं किया, उसने हॉरिजॉन्टली किया ऐसे. तो यहाँ पर मेटल के कितने चेयर है देखो, 1, 2, 3, 4, 5. 5 है. बट हमको पहले सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर एक स्केल दिया है तो दैट स्केल देखना बहुत ज़रूरी है. तो हियर वन चेयर मीन्स 10 chairs. तो एक पिक्चर जो है चेयर का, इसका मतलब क्या होता है, 10. तो यहाँ पर कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50. तो ये कितने प्रेजेंट कर रहे हैं, 50 मेटल चेयर. देन योर प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. यस 80. एंड योर वुडन 20. हाँ देखा, जल्दी जल्दी में ऐसे होता है, 10, 20. तो ये हो गए 20 चेयर्स. अभी यहाँ पर अगर हम, मैंने तुमको ऐसे पूछा, सो हाउ मेनी टोटल चेयर्स आर देयर इन ऑल या ऑल टुगेदर. हाउ यू लर्न दैट पोएम एंड देन राइट वन टाइम. सो हमको फिर यहाँ पे काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं. देखो 50 + 80 + 20. अभी 80 + 20 कितना होता है, 100, 100 + 50 = 150. सो सिंपल, सो इजीली वी कैन फाइंड द आंसर. देन आफ्टर दैट इट मीन्स यहाँ पर दिया है द सेकेंड रोज में 8, लाइक 8 है तो 8 × 10 = 80. तो ऐसे यहाँ पर तो हमने तो डायरेक्टली कर दिया वेरी इजीली. अभी यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, स्टडी द टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. अभी ये स्टडी करना है. अभी मैं ऐसे पूछूंगी इसमें, हाउ मेनी मेटल चेयर्स आर देयर, 50. चेयर्स पूछा है तो 50 रहेगा. यस प्रेक्षा, आई गिवन यू सुबह, हाँ तो 50, 20 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, दिस इज द लास्ट वन ना. हाँ सो
which types of chairs are less in number? Wooden. देखकर ही पता चल रहा है ना, only 10-20 है. So ऐसे अभी हमको यहाँ पे questions पूछेंगे and we have to answer this. People in a town collected aid for the flood affected. This is AIDS pictorial representation. अभी बहुत बारिश आती है तो पानी भर जाता है ना सब जगह पर, रिवर वाटर बाहर आ जाता है. सो दैट फ्लड जो होता है उसे इफेक्ट हुआ है. तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा लोगों ने क्या किया है, जो फर्स्ट एड है वो कलेक्ट किया है. तो देखेंगे क्या क्या है. तो एड्स गिवन एंड नंबर्स ऑफ फैमिलीज हु हेल्प, मेडिसिन, फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड अदर, ये सब दिया है. अभी सबसे पहले हम देखेंगे स्केल. सो व्हाट स्केल इज गिवन हियर, 20 फैमिलीज. तो यहाँ पर वन हाउस जो दिखाया है दैट मीन्स 20 फैमिलीज. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी ने लिखा है 30. सो इज इट करेक्ट? नो. तो ये क्या हो जाएगा, 20 और 20 मीन्स 60. यस, ये 60 फैमिलीज है. किसका बुक है, स्कूल टीचर ने दिया? हाँ, रॉन्ग है बेटा. फिर यहाँ पर देखो फूड आइटम्स कितने हैं, 20, 40, 60, 80. तो ये हो गया 80. क्लोथ्स 20, 40. सो दिस इज ऑल्सो 40. ये सब रब कर देना है बाद में. अदर्स 20, 40, 60. ये हो गया 60. ये ना 10 काउंट किया, बट हियर इज गिवन स्केल में 20 है. तो स्केल सबसे पहले क्या देखना है, अभी क्या नेक्स्ट पूछा है देखो. हाउ मेनी फैमिलीज गिव मेडिसिन एज एड, कितनी फैमिलीज ने मेडिसिन दिया है? 60 फैमिलीज. तो हम क्या लिखेंगे, 60 फैमिलीज हैव गिवन, क्या लिखना है, मेडिसिन एज एड. What form of help was given by the largest number of families? Largest number of families ने क्या दिया है? हाँ, ठीक है. What form of aid was given by the least number of families? Least कम. Clothes. Okay. So this way we have to study our pictograph. Understood? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्केल. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, दिस इज अ चार्ट शोइंग व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल. फ्यूल मतलब क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो जलाने के लिए यूज करते हैं ना, इज यूज्ड इन द किचन. अभी किचन का पूछा हुआ है तो पेट्रोल डीजल तो किचन में नहीं आता है ना. इन 160 हाउसेस इन अ विलेज. अभी विलेज में दिया हुआ है कितने हाउसेज हैं, 160. अभी वो हम देखेंगे टोटल कितने लोगों के पास क्या क्या है. तो फ्यूल एंड नंबर ऑफ हाउसेज यूजिंग द फ्यूल. स्केल क्या दिया है, वन हाउस मीन्स 10 हाउसेज. तो अभी हम नंबर क्या काउंट करेंगे, 10, 20, 30. यहाँ पर 20 था तो हमने 20, 40, 60 किया. सो 10, 20, 30, 40 राइट लिखा है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. बट व्हाट इज 70 हाउसेज हैज यूज्ड, केरोसिन, वुड 10 एंड 20, गोबर गैस 10, 20, 30. ओके, गोबर गैस मतलब जो काऊ डंग होता है ना, उससे जो गैस बनाते हैं गांव में. हाँ, गाँव में सबके पास बहुत सारे काउज होते हैं ना, तो उनका जो गोबर होता है, काउडंग जो होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. सुखा कर भी करते हैं वो बर्निंग के लिए, और उसको उसका प्लांट बनाते हैं. ऐसे एक एक टाइप का ना प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें से गैस निकलता है फिर पाइपलाइन से, और उससे फिर चूल्हा जलाते हैं. ठीक है, अपने पास कैसे गैस होता है ना, वो टाइप में अलग होता है वो, तो उसको गोबर गैस बोलते हैं. हाँ, सो लेट इट, आई विल चेक.
So now till then, now you continue other Marathi's words again one time. What kind of fuel is used in most houses? Most houses. Kerosene. How many houses use gober gas? 30 houses use gober gas. How many houses use gas? 40 houses use gas. Then do we have any other question here? Yes. A chart showing the crops grown by the farmers in a village. अभी farmers रहते हैं ना गांव में कितने, और वो लोग अपने farm में अलग अलग type का crops grow करते हैं, cultivate करते हैं. So crops and number of farmers. But before that what we will see? Scale. One farmer का picture मतलब क्या है? 10 farmers. तो जवार कितने लोगों ने सो किया है? 10, 20, 30. पल्सेस 10, 20. वेजिटेबल्स 10, 20, 30, 40. अदर 10, 20, 30. यस. नाउ व्हाट क्वेश्चंस आर गिवन? हाउ मेनी फार्मर्स ग्रो जवार? 30 फार्मर्स ग्रो जवार. यस, 30 फार्मर्स ग्रो जवार. Which crop is grown by the least number of farmers? Now least मतलब low, less. So least pulses. Number of farmers, yes, pulses. What is a pulses? जो मूंग मटकी वो सब मम्मी भिगाती है ना, चना वटाना, और रात को भिगा कर फिर सुबह उसका सब्जी बनाती है, तो that is pulses. How many? भोजन. Okay, right. How many more farmers grow vegetables than pulses? अभी देखो यहाँ पे, how many more farmers grow vegetables than pulses? अभी vegetable और pulses दोनों पूछा है, तो पहले देखो vegetable किधर है, ये है, ये pulses है. अभी यहाँ पर देखो, ये same हो गया, ये भी same हो गया, but ये इतने extra है ना इसमें, मतलब कितने extra है? 10, 20. तो लिखना है 20. More farmers grow vegetables than pulses. Simple, कैसे find करना है? पहले देखना है कौन कौन सा दिया है, वो picture को underline करो, then equal पहले line कर दो, और जो extra है उनको count करना है 10 and 20. अगर मैं इसमें बताऊँ जवार and pulses में, तो जवार और पल्सेस में दो इक्वल आ गए, फिर ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया? 10 मोर. ठीक है, ऐसे करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. चलो अभी एक लास्ट हमारा क्या दिया हुआ है, अ चार्ट शोइंग व्हाट कलर्स वर वर्न बाय चिल्ड्रन टू स्कूल ऑन द डे व्हेन द स्कूल यूनिफॉर्म वाज नॉट कंपलसरी. जिस दिन स्कूल में यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, तो फिर बच्चों ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कलर्स ऑफ क्लोथ्स. कौन कौन सा कलर दिया है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. अभी देखो, ये वर्टिकल है ऐसे, हमने ये वाले देखे थे, ये हॉरिजॉन्टल था पिक्टोग्राफ, ये वर्टिकल है. अभी स्केल में देखो, वन स्टूडेंट मतलब 5. हाँ, यहाँ पे 5 चिल्ड्रन दिया है, मतलब 5, 10, 15. तो ये कितना हुआ? 5. तो ये 5 हो गया, 5, 10, 5. ओके, तो दैट मींस रेड कलर का कितने लोगों ने पहना है? 15 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन एंड 5 चिल्ड्रन. चलो लुक एट द क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास? अभी सबसे पहले क्लास में ये सारे बच्चे उसी क्लास के हैं ना, तो वी हैव टू काउंट देम टुगेदर. तो कैसे करेंगे? 5 का टेबल बोलते हैं. चलो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 25, 5 6 25. यस, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास? 35. हाँ, यस. How many children wore yellow clothes? 5 children. 5 children wore yellow clothes.
What color did the greatest number of children wear? Greatest number of children wear? Red. देखो greatest है ना? And how many wore that color? और कितने बच्चों ने वो color पहना है? 15. कौन से बच्चों ने? कौन सा color जो है सबसे ज़्यादा पहना है? Red. और कितने बच्चों ने पहना है? 15. Yes. तो यहाँ पर वही पूछा है. What color did the greatest number of children wear? And how many wore that color? ठीक है? 15. Okay. So this way we have complete this pictograph. तो कैसे लगा? Simple है ना एकदम? Easily कर सकते हो? Okay. तो बच्चों आप लोगों को भी I hope अच्छे से समझ में आ गया है. तो चलिए अभी ये वीडियो में यहीं पर स्टॉप करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी. उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो. उनको भी हेल्प मिलेगी. ठीक है? चलिए बाय बाय.